आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं आज आप सबके लिए देखिए यहाँ पे एक बत्तख लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी है और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाती है। और ऊन बहुत ही थोड़ी सी लगती है और इतना आसान है, सिर्फ आप यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया से या फिर सिंगल क्रोशिया से भी इसे बना सकती हैं। मैंने इसे बना के रखा हुआ। अगर आप इस तरह की बिल्ली बनाना चाहती हैं, ये मैंने सिलाइयों से बनाए, तो मेरी जो दूसरी चैनल है सोनू होम नीटिंग चैनल, उसमें आप इसे जाके देख सकती हैं। मैंने इसकी वीडियो कल ही डाली हुई है। अब लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगी आपको। तो देखिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी लग रही है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ऊन आप यहाँ पे 3 प्लाई 4 प्लाई कोई भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्धमान कंपनी की ऊन ली हुई है, मिलेनियम। ठीक है, और क्रोशिया नंबर यहाँ पे हम 3 mm लेंगे। चेन बनाएंगे यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31 और ये 32। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे 32 हमने चेन बना के कंप्लीट कर लिया होगा। 32 चेन बनाने के बाद, सॉरी 33 बनाएंगे हम, यानी 33 चेन बनाएंगे हम। अब फर्स्ट को छोड़ते हुए हम इसे छोड़ते हुए सेकंड वाले से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये वाले लेंगे, सेकंड वाले चेन से बनाना है आपको। यहाँ पे लिए 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर लेंगे उसके नेक्स्ट वाले चेन पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर से चेन लेंगे, धागा लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से इसकी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। सबसे कम समय में बनने वाली ये है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से करते हुए हम पूरी लाइन कर लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया। पूरी लाइन हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया हुआ। यहाँ पे हम चेन लेंगे एक और ये दो, इधर पलटेंगे। इस दो चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, सेम इसी चेन में डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। यहाँ पे 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया की 4 लाइनें कंप्लीट करेंगे। एक ही हो गई, दो और 2 लाइन और बना लेते हैं। टोटल यहाँ पे 4 लाइन हमें कंप्लीट करनी है हाफ डबल क्रोशिया की। अब यहाँ पे देखिए 4 लाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली है, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 और 2। इस चेन को काउंट नहीं करना है आपको, इधर पलटेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार लेंगे और इसी चेन पे एक बार और हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया फर्स्ट वाली चेन पे बनाई, इसके बाद सारे चेन पे हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया एक एक करते हुए जाएंगे। लास्ट वाली चेन पे फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली चेन पे आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने पूरी बना ली। जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ठीक है, एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और एक बार और बनाएंगे हम। ये 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब इस लाइन में हमें हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और धागे को कट करेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से देखें टोटल यहाँ पे 32 सिंगल क्रोशिया है ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ देंगे हम। ठीक है, और जो 11वें नंबर का चेन है यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे इसे और यहाँ से धागा जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इस तरह से लेंगे हम, चाहे तो यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं या फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो एक चेन और ले लेते हैं, इसी जगह पर डालेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई, 2 डालेंगे, 3 फिर से डालेंगे, 4 5 6
सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। यहाँ पे हमने 12 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इधर भी हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया बची हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सॉरी 10 इधर भी हमें छोड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ से लेंगे हम चेन बनाएंगे 1 और 2, इधर पलटेंगे, पलटने के बाद इसी चेन पे डालना है आपको और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम 3 से 4 लाइन बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 4 लाइनें हमने बना ली, 1 2 3 और 4। पांचवी लाइन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें। तो ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। धागा थोड़ा सा लंबा रखते हुए हम धागे को कट करेंगे क्योंकि हमें सिलाई भी करनी है। और इसके साथ ही आपको रुई भी चाहिए, फाइबर वाला हो या नॉर्मल कोई भी हो, या अगर ना हो आपके पास तो कोई भी आपके पास पुरानी ऊल पड़ी है तो उसे भी आप कट कर सकती हैं और यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आज का वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी आप सबको। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस तरह से लेंगे धागा हमने छोड़ा लंबा, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे हम राउंड घुमाते हुए इसकी सिलाई करेंगे, ये चेन है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और निकालेंगे इस तरह से, अब इस धागे को पूरा खींच लेना है हमें, ये गोलाई हो गई। अब यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए इस तरह से सिलाई करते हुए हम नीचे तक आएंगे, तो चेन को आपस में इस तरह से पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। चलिए तो सिलाई कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह, और ये भाग खुला छोड़ेंगे।